जो अपनी माँ के साथ जिना करे। हाँ ओहो गलती हो गई मुझसे, सॉरी। माँ का नाम नहीं लेना चाहिए, माँ तो बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच चुकी होगी, बहन तो जवान होगी ना। जो चीज उस लड़की के पास है वो तुम्हारी बहन के पास भी है, जाओ अपनी बहन के पास चले जाओ। नौजवानों मैंने कोई ऐसे ही नहीं कहा कि अपनी माँ बहन बेटी के साथ जिना का दरवाजा खोल रहे हो, दूसरों की बहन बेटी। हम नहीं हदीसों को सामने रखकर ये बात कही थी, अल्लाह के नबी ने कहा जो तुम उस लड़की के पास लेना चाहते हो वो तो तुम्हारी बहन के पास भी जाओ। कहा अल्लाह के रसूल ऐसा कौन शख्स होगा जो अपनी बहन के साथ जिना करे। आपने कहा अच्छा अपनी खाला के साथ कर लो, अपनी बेटी के साथ कर लो, अपनी फूफी के साथ कर लो, अपनी चची के साथ कर लो। एक एक मिसालें दी और हर एक पे वो ना 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 करता गया। लास्ट में अल्लाह के नबी ने जो बात कही वो ये कही, जब तुम अपनी माँ बहन बेटी के साथ ये काम पसंद नहीं करते हो तो जिस लड़की के साथ तुम जिना करने जा रहे हो उसका भाई ये कैसे गवारा करेगा कि मेरी बहन के साथ कोई जिना करे, उसका बाप ये कैसे गवारा करेगा कि मेरी बेटी के साथ कोई जिना करे, उसका शौहर ये कैसे गवारा करेगा कि मेरी बीवी के साथ कोई जिना करे, उसका रिश्तेदार कैसे गवारा करेगा कि मेरी इस बहन बेटी के साथ ये काम किया जाए। जब तुम्हें अपनी बहन बेटी के साथ ये काम पसंद नहीं है तो दूसरे को कैसे पसंद होगा। कहने लगा अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी ने उस नौजवान के सर पे हाथ फेरा और उसके लिए दुआएं बरकत फरमाई। उस नौजवान का बयान है कि उस दिन की तारीख से लड़की तो छोड़ो कोई भी हराम चीज पर मेरी नजर ही नहीं। क्योंकि हमारी आदतें दूसरी हो चुकी है। जर्जी साहब मौजू बदलो, हमें ये नहीं सुनना, हमें हम कैसे छोड़ दें, बड़ी मुश्किल से तो मिली है, 12 साल चक्कर लगाए, पहले दूसरे की रखेल थी, अब बेटिंग करते करते मेरा अब नंबर आया है। ऐसा लगता है जैसे स्कूल कॉलेज में छुट्टी हो ना, लड़के पहले से बैठे रहते हैं, दे लेने दो मुझे, मैं इसके बगैर मुझे नींद ही नहीं आएगी, देने दो मुझे। ऐसा लगता है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते भागते हैं ना, बिल्कुल ये सूरत हाल रहती है। एक एक लड़की के पीछे 10-10 लड़के उसका पीछा करते, जैसे कुतिया के पीछे कुत्ते भागते हैं वैसे आज ये सूरत हाल बना डाली और इसके जिम्मेदार आप क्यों नहीं रोकते। आपकी बेटी 10-11-12 साल की हो चुकी है, क्यों लिपस्टिक लगा के जलसे में आ रही है, आप जिम्मेदार नहीं है। आपकी बहन 15 साल की हो चुकी है, क्यों ऐसे स्कूल में पढ़ रही है जहां लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ रहे हैं, आप जिम्मेदार नहीं है। को एजुकेशन की क्या हैसियत है, आप जिम्मेदार नहीं है। और हजरत मरियम जिनकी किफारत हजरत जकरिया कर रहे थे और मस्जिद की एक मेहराब में वो बैठी हुई थी, और वो मरियम जिन्होंने अपने पेड़ से ईसा को पैदा किया, वो पाक दामन मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान आसमाने ने किया, अल्लाह ने किया। जब मरियम के पास बेमौसम फल आ गए, जब हजरत मरियम के पास बेमौसम फल आ गए, सेब का मौसम नहीं था सेब आ गया, आम का मौसम नहीं था आम आ गया, लीची का मौसम नहीं था लीची आ गई, और हजरत जकरिया ने देखा कि मरियम के पास ये फल कहां से आए, ये तरबूज का मौसम नहीं तरबूज कहां से आ गया, आम का मौसम नहीं आम कहां से आ गया। सवाल करने लगे अन्ना लगे हाजा, अरे मरियम तेरे लिए तेरे पास ये सारी चीजें कहां से आई। पहले जवाब दे, ये मस्जिद में बैठी है, मेहराब में बैठी है, मुझे बताओ ये सारी चीजें तेरे पास कहां से आई, इस फल का मौसम नहीं ये मौसम फल ये कहां से आ? कौन लाया। आलत हुआ मैंने अंदिल्ला, शक की नजर मत डालिए मेरे ऊपर, आए मेरे सर परस्त आए मेरे बानी आए मुझे परवरिश करने वाले आए, मेरे बाप की जगह में दाखिल शख्स आए मेरे सरपरस्त, मेरे ऊपर शक की सुई मत दौड़ाइए, ये सारी चीजें मुझे किसी लड़के ने नहीं दी, किसी ने नहीं पहुंचाई। कालत हुआ मैंने अंदिल्ला, ये सारी चीजें अल्लाह के पास से आई है, अल्लाह की तरफ से आई है, कोई फरिश्ता यहाँ रख के गया है, कोई फरिश्ता देकर गया है, मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, आप शक करना छोड़ दें। कालत हुआ मैंने अंदिल्ला, यही देना चाहता हूं, जब हजरत मरियम जैसी पाक दामन औरत से क्लास ली जा सकती है, उससे सवाल किया जा सकता है, जब उसका सरपरस्त उससे पूछ सकता है, तो आपकी बेटियां क्या मरियम से ज्यादा पाक दामन है।
है, आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछ सकते, आप अपनी बहन से सवाल क्यों नहीं कर सकते कि तेरे मोबाइल में मैंने बैलेंस तो नहीं डलवाया, 10 रुपए का बैलेंस था, ये 50 रुपए कहां से आए, तेरे मोबाइल में तो अब्बू का, अम्मी का, भाई का नंबर था, ये अनजान नंबर से मिस कॉल आई है, ये कहां से आई है, आप ये सवाल क्यों नहीं करते अपनी बहनों बेटियों से। आप जब तक ये सवाल नहीं करेंगे सिनाकारी और बदकारी का दरवाजा नहीं खुलेगा। आरएसएस के सेंटर नागपुर के अंदर ये मशवरे हो चुके हैं कि जो मुसलमान लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही हैं लड़कों के साथ बैठकर, इतने इतने हजार लड़कियों को हिंदू घर की बहू बनाया जाएगा, ये ऐलान किया जा चुका है। आरएसएस ने ऐलान कर दिया है, आरएसएस ने नागपुर की सरजमीन से यह ऐलान किया जा चुका है, इतने हजार मुसलमान लड़कियों को हिंदू घरों की बहू बनाया जाएगा, यानी हम अपने लड़कों के साथ उनका कोर्ट मैरिज कराएंगे और उनसे हिंदू लड़के पैदा होंगे, हिंदू नस्ल जागेगी, लड़कियां मुसलमान होंगी और उनकी शादी हिंदू घराने में कराई जाएगी और उनसे नस्ल हिंदू की पैदा की जाएगी। हमारे को एजुकेशन का ये फायदा उठा रहे हैं और हम अपनी बेटियों को मोबाइल पकड़ा रहे हैं, लो व्हाट्सएप चलाओ, मैसेंजर चलाओ, फेसबुक चलाओ, और चलाने की इजाजत दी जा रही है। मेरे भाइयों, वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं और मौलवी चर्चिस को गला फाड़ने के सिवा कुछ नहीं। कहां पढ़े हैं, कहां पढ़ाओ, जाकर मदरसों में पढ़ाएंगे तो नानी मरेंगी, नहीं पढ़ाएंगे, हमारी लड़की मदरसे में जाकर हज्जन बनेगी तो क्या पायलट बनाएगा, क्या बनाना चाहते अपनी बेटी को। चाहे कितना पढ़ा लो लिखा लो, लेकिन जब तक आपकी औलाद आपके बच्चे अपनी माँ की गोद से ट्रेनिंग नहीं लेंगे और तरबियत नहीं लेंगे, वो कामयाब नहीं होंगे। ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को देख लो, एक तहजीब तो आती है इनको, लेकिन चूंकि मां की गोद से इनको अच्छी तरबियत नहीं मिली, इसलिए शोर कर रहे हैं, हंगामे करते हैं, शरारतें भी करते हैं। और हमें इमाम मालिक के अंदर मुअत्ता में वो वाकया मिलता है, एक सहाबिया के घर में एक बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा जब पेशाब करता था वो सहाबिया उसकी शर्मगाह पर पानी डाल दिया करती थी, जब भी वो पेशाब करता था वो सहाबी अपने बच्चे की शर्मगाह पर पानी डाल देती थी। बच्चे का पहला दिन था चलने का, एक साल डेढ़ साल के बाद जब बच्चा चलने के लायक हुआ और पहला दिन था उसके खड़े होकर चलने का, उस बच्चे को पेशाब लगता है, वो बच्चा पानी का बर्तन खुद उठाता है, छोटा सा प्याला उठाता है पानी का, जितना बड़ा बच्चा वैसे हिसाब से प्याला, पानी का बर्तन उठाता है और लेकर पेशाब करने जाता है, नाली में बैठ जाता है, वो पेशाब करता है और पानी डालना नहीं जाता, इस्तंजा करना नहीं मालूम, लेकिन माँ उसकी शर्मगाह पर जैसे पानी डालती थी वो बच्चा भी उसी तरह पानी डालने लगा, अपनी शर्मगाह पे पानी डालने लगा। उसकी माँ पीछे से ये मंजर देख रही थी, उसका शौहर अंदर आया, कहने लगा मेरी बीवी क्या देख रही हो, उसने अपने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा ये बच्चे को देखो, बाप ने कहा मेरा बच्चा है, पेशाब करके पानी से शर्मगाह धो रहा है। उस औरत की नजरें आसमान पे गई और कहने लगी रब काबा की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई, ये बच्चा बड़े होकर मेरी मगफरत की दुआ करेगा, ये बच्चा बड़े होकर मेरी जन्नत में जाने की दुआ करेगा, हमने इसको अच्छी तरबियत दी है, ये बच्चा बड़े होकर मेरी मगफरत की दुआ करेगा, मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। मेरे भाइयों, आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो, अल्लाह की कसम कामयाब नहीं हो, क्योंकि आपने खुद अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग नहीं दी है। मदरसे फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन, माँ की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा होती है, और जो बच्चा अपने माँ की गोद से ट्रेनिंग लेके नहीं चलता, आप यकीन कीजिए MBBS MS MD PhD